हेलो भाई, एक न्यूज़ आ रही है जिसको देखकर आपको काफ़ी हैरानी होगी। एक ट्विटर अकाउंट है जिसका नाम है ट्रू इंडोलॉजी, उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उसने बहस की थी एक आईपीएस ऑफिसर से। डी रूबा करके एक आईपीएस ऑफिसर हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ बहस करने की वजह से ट्रू इंडोलॉजी को सस्पेंड कर दिया गया ट्विटर से। गाइस, ये इतनी छोटी भी बात नहीं है जितनी छोटी लग रही है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे कि कंगना रनौत और उनकी बहन, ये सब भी सामने आई हैं और उन्होंने डिमांड की है कि जल्द से जल्द डी रूपा जो है आईपीएस ऑफिसर, उनको सस्पेंड होना चाहिए। गाइस, ये बात सिर्फ और सिर्फ इस बात की है कि डी रूपा ने ये बात बोली थी कि कोई भी पटाखे ना छुड़ाए। क्यों क्यों ना छुड़ाए? क्योंकि पुराणों में, मतलब पुराने ओल्ड हिस्ट्री में कहीं पर भी पटाखों का जिक्र नहीं है, कोई भी पटाखा नहीं बजाया गया था। इस चीज का अपोज किया था ट्रू एंड्रोलॉजी ने। ये ट्रू एंड्रोलॉजी जो है उसने अपोज किया था कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे पुराणों में भी पटाखों का जिक्र है और वो लोग पटाखे बजाया करते थे। सिर्फ और सिर्फ उसने ये अपोज किया। अपोज करने के 5 से 10 मिनट बाद ही उसने ट्विटर अकाउंट जो इसका सस्पेंड हुआ है ट्रू एंड्रोलॉजी का, उसने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। उसने बोला कि सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बाद, जैसे ही मैंने उनसे बोला और उन्होंने मुझे धमकी दी कि तुम्हारा टाइम अब खत्म हो गया है, ये धमकी देने के 5 मिनट बाद ही मेरा अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया गया ट्विटर अकाउंट से। तो गाई, उसके बाद उन्होंने ये भी अपडेट दी कि वो मुझसे मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे, लेकिन मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो उन्होंने मेरा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि अगर उन्होंने मैंने पर्सनल अपना इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तब उन्होंने मेरा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया, अगर अगर मैं अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनको दे देता तो वो मेरे साथ क्या करती, उसका कोई भी, मैं उसके बारे में सोचता भी नहीं। ये जो है अपडेट डायरेक्ट स्क्रीनशॉट देकर उन्होंने मैसेज लिखा है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपके पास एक आईपीएस ऑफिसर की पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी झुका सकते हो। और सिर्फ अगर आपने एक आईपीएस ऑफिसर से बहस भी कर ली तो आपका तो खैर नहीं, तो एक आम आदमी कुछ भी नहीं कर सकता अगर एक आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर आपके सामने खड़ा हो और उससे आप बहस भी नहीं कर सकते। इस चीज का गाइस बाय द वे सबने अपोज किया है, यहाँ तक कि कंगना रनौत और उनके सिस्टर ने भी इसका अपोज किया है, उनको सस्पेंड करने की बात भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। आपका क्या ओपिनियन है गाइस? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।